शबरी अम्मा को क्या मुनाफा भैया, गुरुदेव ने कहा था राम जी आएंगे, शबरी देख राम गृह आए, गुरुदेव के वचन स्मरण आए, गुरु जी ने कहा था और पहचानने लगी, सरसिज लोचन कमल नयन है, बाहु विशाला अजान बाहु है, जटा मुकुट जटाओं का मुकुट है, सिर और वनमाला, सिर पर जटाओं का मुकुट बंधा है और वनमाल पंच पुष्पों की माल कंठ से लेकर पग तक है। श्याम गौर दो भाई हैं सामले गोरे, माँ शबरी पड़ी चरण लपटाई, चरणों में गिर पड़ी माई, बार बार माथ नवाती हैं, शबरी अम्बा आ गए मेरे प्रभु, प्रभु आ गए मेरे ठाकुर, आ गए हो आ गए प्रभु, न स्वस्ति वाचन कर रही हैं, न अभ्यर्थना कर रही हैं, न बैठा रही हैं, बार बार पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा माई, आ हा हा, स्मरण आया गुरुदेव ने कहा था कि राम जी आएंगे तो उनका पांव धोना थके होंगे, सादर जल ले चरण पखारे, आसन लगा रखी थी वो नित्य लगाती थी बिठाई, तब प्रभु ने कहा शबरी जी हमको भूख लगी है, आह भोजन का रस ही यही है, जब भूख लगी हो तो भोजन बोलता है, साहब भूख न लगी हो तो खाना भी नहीं चाहिए, भूख लगी हो तो भोजन का रस है, ध्यान रखिएगा भोजन में रस नहीं होता है, भूख में रस होता है, भूख न लगी हो तो आदमी सन्मुख रखी थाल को पूछता है ये क्या है ये क्या है, भूख लगी हो तो सिर नीचा करके प्रारंभ हो जाता है कुरु, फिर जब भूख शांत होती है तब पूछता है इसमें क्या था इसमें क्या था, नमक मिर्चा का पता भूख लगी हो तो नहीं चलता, जब पेट भर जाता है तब कहता है ये कड़वा था इसमें नमक था, भगवान को भूख लगी है ये भगवान की लीला है, इनको क्या भूख लगी साहब, ये तो अद्भुत है, बार शबरी अपनी भक्ति वर्धन हेतु कंदमूल फल सुरस अति बस दिए राम कहूं आन प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार, बार बार प्रशंसा करके भगवान पा रहे हैं, प्रशंसा करके पा रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई मैया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे तो उनकी थोड़ी प्रशंसा करना, आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे, शबरी माई भुला गई, भुला जाना बुरा नहीं है, भुला ही जाता है सब, हाँ भगवान को देखिए आप, जितनी आरतियां हम लोग करते हैं ना उसमें क्या है, भगवान की प्रशंसा है, मैं बार बार सुनाता हूं, भगवान की प्रशंसा है सभी आरतियां, और आपको नहीं कुछ याद है तो भगवान को देखकर केवल यही कहो भगवान आपकी अलकावली कैसी है, भगवान आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, टमाटर जैसे गोल गोल गाल हैं आपके, ए? क्या दिव्य मुखमंडल है, क्या ये मणिमाल धारण किए प्रभु, आहा हा हा, और ये भी ध्यान रखना जहां नित्य सेवा हो लाला की मां की भोले बाबा की किसी भी अर्चा विग्रह में कभी मोम से कोई श्रृंगार न चिपकाना, ये अपराध है, ये सब मंदिरों के लिए है जहां पुजारी जी लोग भगत कम हैं रिएक्टिव अधिक है, भगत कभी मोम से भगवान के अलंकरण को नहीं चिपकाता है, वो तो धारण करा देता है, मोम का क्या काम,
आपके कान में मोम लगा दिया तो फिरफिराएगा हैं? माताएं जब अलंकरण में जैसे हमें लगाते हैं ना टिकुली भगवान की किशोरी जी की, माताएं जब वो लगाती हैं क्या बोलते हैं वो टीका, तो उसमें अधिक लगा होता है गम तो उसको साफ करके लगाती हैं कहीं चिपक करके काला न हो जाए। लेकिन जब भगवती का ठाकुर जी का लोग अलंकरण करते हैं तो पूरा आधा ग्राम लगा देते हैं मुँह में, तोहरे कपारे पर लगा दे कैसा लगेगा। भक्तिमय अलंकरण भगवान की किया करो, अविवेक पूर्वक नहीं, यह स्नेह है। लाला का श्रृंगार स्नेह पूर्वक, ये श्रृंगार का दर्शन करके और प्रशंसा करो, ये भगवान की प्रशंसा है। सभी आरतियां भगवान की प्रशंसा है। आप जो गाओ, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यान, हरि ब्रह्मा शबरी ओम जय अम्बे। हरि ब्रह्मा शिव जी नित्य आपकी प्रशंसा करते हैं, नित्य आपके गुणगान करते हैं, ये आरती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, तेरी ये प्रशंसा है माँ की। सब आरती प्रभु की प्रशंसा है। जान लो कि हम जो कह रहे हैं वो केवल भगवान को प्रशंसित कर रहे हैं, होठ से नहीं भाव से। जो आरती आप गाते हो वो अपने इष्ट देव की प्रशंसा करते हो, उसमें भाव में उतर कर और भगवान की प्रशंसा करो। क्यों? आपको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है? जैसे भगत को प्रशंसा अच्छी लगती है उसी प्रकार भगवान को भी अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, तो भक्तों पर भगवान प्रसन्न हो जाते। प्रशंसा किया करो, इसी को बिरदावली कहते हैं, इसी को स्तुति गान, इसी को वंदना कहते हैं। हाँ, जानना चाहिए ना हम क्या सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो शबरी अम्बा बोली, प्रभु मेरे को तो कुछ पता नहीं, कही विधि स्तुति करूं, किसी विधि प्रशंसा करूं तुम्हारी, मैं तो अधम जाती हूं, जड़मती हूं, भारी हूं, क्यों किनारी हूं। और देखिए दो बातों से ये संदेश मेरा पुरुष तत्व के लिए है। जीवन में कभी भी यह न कहा जाए तुमको क्या पता है, पुरुषों का एक स्वभाव होता है कि कोई माता यदि कोई संदेश देने लगी, कोई राय देने लगी, लो ये क्या है, तो युवावस्था में तो आप चुप कराओगे और वृद्धावस्था में फिर वो शुरू होती है, लो तो ये आप पकड़ाओ नहीं कि युवानी की बात बुढ़ापा में आपके सिर पर पधर जाए, ये करो ही नहीं। उसकी भी राय सुनो भाई, उसकी भी राय सुनो। कभी भी बच्चे को भी ना कहो चुप, क्या चुप, बड़ा होकर वो भी कहेगा चुप, क्या रह जाएगा। मेरे को तो कोई छोटा बच्चा भी राय देता है ना तो हम बड़ा उसका आदर करते, बहुत आदर करते। क्यों? उसको लगेगा चलो मेरे भी तो कोई सुनने वाला है, बच्चों की भी सुना करो, बच्चों का निरादर न किया करो। बच्चे, अरे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चे बहुत सुंदर सुंदर राय देते। हमें ठाकुर जी की गाड़ी बदलनी है, वो बच्चा हमारा अमित भैया का बड़ा वाला, कल जैसे पहुंचे बोला गुरु जी आपने गाड़ी देखा नहीं, मैंने ढूंढ लिया सब, और फटाक से वो ला के टैबलेट हमको गाड़ी दिखाए, ये क्या है, उसका भाव है। मेरे से ज़्यादा वो परेशान है कि गुरु जी देख नहीं रहे, मैं तो सब काम कर दिया एकदम फटाक से। मैंने कहा कितने की है, बोले आप टेलीफोन पर लेंगे तो 5 लाख सस्ती है और जाके लेंगे तो 5 लाख महंगी है। अब बताइए
चाइल्ड इज द फादर ऑफ माइंड. बच्चे छोटी छोटी बात है. हम रामेश्वरम में कथा कर रहे थे, आपको बच्चों के मन की स्थिति बताऊं तो रामेश्वरम भगवान को हम कथा सुना रहे थे, तो वहां हम कथा में प्रवचन भाव लिए थे. क्या था व्यास जी रामेश्वरम में? रामेश्वरम की पंक्ति क्या थी? शीर्षक चौपाई, ये रामेश्वर दर्शन करें. हाँ, ये रामेश्वर दर्शन करें. उसी पर 9 दिन चला. हमारी सुपुत्री कक्षा 9 में थी तब. जब हम लोग होटल में आए तो बड़े प्रेम से आई, बोली पापा आपने तो कहा था कि कथा है तो कथा सुनने चलना है तो चलिए, लेकिन आप तो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, हम लोग कथा सुनने आए हैं, प्रवचन सुनने नहीं आए. अविनाश भैया, अब मैं उसकी बात सुना तो मैं स्वयं चकरा गया. हमने कहा बेटा हमने एक सत्र लिया है. बोले कोई बात नहीं, आप वक्ता हैं, जो बोलें सो ठीक है, लेकिन हम लोग घर से कथा सुनने आए हैं, हम लोग प्रवचन सुनने. प्रवचन तो आपका घर में सुनते ही रहते. आप बताइए बच्चे कितना विवेक रखते हैं. अब कहेंगे बच्चे हैं वो 9-10 में पढ़ रहे हैं, ये क्या राय देंगे? नहीं, अब उस दिन से मैंने संक्षेप किया प्रवचन, कथा को विस्तार किया. तो ये उसका भाव है, पापा लोग आपसे राम कथा सुनने के लिए बुलाते हैं, इसलिए कथा का खूब विस्तार करना है. प्रवचन तो करने वाले बहुत हैं, आप तो राम कथा करिए. मुझे वो बात स्मरण रहती है, इसलिए आपको मैं पूरी राम कथा सुना रहा हूँ. यजमान लोग भी ध्यान रखें, हम पूरी राम कथा सुना रहे हैं. कल हम अभिषेक महोत्सव मनाएंगे, परसों की कथा में हम उत्तरकांड की कथा सुनाएंगे. आज हम सुंदरकांड तक गति करेंगे, परसों कल अभिषेक महोत्सव होगा, परसों हम लोग उत्तरकांड के साथ कथा को पूर्ण करेंगे. परसों अर्थात रविवार को कथा का सत्र थोड़ा पहले होगा, जिससे हम लोग 7 बजे तक पूर्ण कर दें. भाव कहने का यह है, शबरी अम्बा भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही, क्योंकि भगवान को देखकर मैया बेहबल हो गई. भगवान मुस्कुराए, बोले शबरी जी आपको मैं कुछ सुनाता हूँ, यही मेरी स्तुति है, सुनिए. क्या? कह रघुपति सुनो भामिन पाता मानवे भगति कर जाति पाते कुल धर्म बढ़ाए धन बल परिजन गुण चतुराए भगति हीन नर सो हरि कैसा बिनु जल बारिद बिनु जल बारिद नवधा भगति कहूँ तो पाही सावधान सुनु धर्म प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग दूसरी रति मम कथा प्रसंग गुरुपद पंकज से तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम गुण गन कर कपट तजिगा. भगवान ने
माँ को नव प्रकार की भक्ति सुनाई। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी कथा में प्रेम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रसंगा। मान रहित होकर सदगुरु की सेवा, कपट छोड़कर भगवान नाम गुणगान, ये तीन भक्ति, चार भक्ति, मंत्र जाप पांचवी भक्ति, इंद्रिय निग्रहता छठवीं भक्ति, समत्व सातवीं, यथालाभ संतोष आठवीं, सरलता नवीं।